जलेसर एटा धान आदि की पराली जलाने वालों के खिलाफ जुर्माने के लिए एसडीएम जलेसर एसपी वर्मा ने किए नोटिस जारी। लेखपालों ग्राम पंचायत अधिकारी तकनीकी सहायक कृषि चकबंदी क्षेत्रों में चकबंदी लेखपाल के खिलाफ भी कार्रवाई। माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली द्वारा अपने निर्णीत बाद में एवं शासनादेश संख्या 42/16/3028 दिनांक 8 नवंबर 2016 एवं पर्यावरण अधिनियम संख्या 2845 दिनांक 28 अक्टूबर 2015 के अंतर्गत तथा अधिनियम संख्या 14/1081 की धारा 19(5) उपबंधों के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य में फसलों की कटाई के उपरांत बचे हुए अवशेषों को जलाना निषिद्ध किया गया है। तहसीलदार जलेसर से प्राप्त आख्या के आधार पर निरंजन सिंह पुत्र महावीर सिंह निवासी नुहखास, गुलाब सिंह पुत्र लाला राम निवासी खेरारा, महेश चंद्र पुत्र पन्नालाल निवासी रसीदपुर उर्फ खेरिया खाती, रमेश चंद्र पुत्र पन्नालाल निवासी रसीदपुर उर्फ खेरिया खाती, रामपाल सिंह पुत्र तेजपाल सिंह निवासी गुलाबपुर, रेशम पाल पुत्र भगवान सिंह निवासी मीशा कला आदि के विरुद्ध न्यायालय उप जिलाधिकारी जलेसर के न्यायालय से प्रति घटना प्रति किसान 5,000 रूपए जुर्माना प्रस्तावित कर नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस का जवाब देने पर उक्त लोगों पर अर्थदंड के साथ साथ एफआईआर की भी कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता सुरजीत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।